हाँ बेटा, कल आपने बोला था वो क्या है टाइटल यूनिट नंबर फिफ्थ का, नहीं तो मुझे पता कैसे था। ओके बेटा, तो जो ये है ना हमारे बीसीए सेकंड सेम से स्टूडेंट वाले, तो आपके इस बार जो सिलेबस में है ना जो बुक है रिकमेंडेड, दैट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर आपके टॉपिक का नाम है, इसके लिए आपको कुछ 11th कुछ 12th का ये मीन्स कंसेप्ट होना चाहिए। तो जो यूनिट नंबर 5th है आपका, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स, प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स, या इसको कुछ लोग कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक्स, या बेटा सुमाया इसको कुछ लोग कहते हैं अजीबा अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स, ठीक है बेटा, या कुछ लोग इसको कहते हैं दिस सिंपली मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इंशा आप इसको प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स का हो, या बेटा आप इसको मैथमेटिकल लॉजिक्स का हो, या आप इसको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स का हो, या मैथमेटिकल रीजनिंग का हो, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स, व्हाट इज मेंट बाय मैथमेटिकल लॉजिक्स, या आप लोगों का क्वेश्चन होगा व्हाट इज मेंट बाय अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। अजीबा सिंपली अगर मैं आपसे पूछूंगा ना बेटा व्हाई यू वाज एब्सेंट टुमारो, तो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे आप कल कहां थी, तो आप कहेंगे वहां से कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रीजन, कोई कहेगा मैं बीमार, कोई कहेगा मैं किसी रिलेटेड, दिस मीन्स यू पीपल आर गिविंग मी अ रीजन, है ना। अब अगर हम रीजन देखेंगे ना विद मैथमेटिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल एस्पेक्ट से, तो दैट इज व्हाई कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल लॉजिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग। यही मैंने कहा यहाँ पे लॉजिक्स का हो या रीजनिंग का हो, ठीक है। अब इसमें आपका जो पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शन आर स्टेटमेंट, नेक्स्ट तो सभी लोग नोट करेंगे पहले कर व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टेटमेंट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टेटमेंट। तो बेटा जो स्टेटमेंट है ना इट इज अ जस्ट अ सेंटेंस, जो स्टेटमेंट है ना इट इज अ सेंटेंस, लेकिन जो सेंटेंस होना चाहिए दैट मस्ट बी डिक्लेरेटिव, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच मे बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। इंशाल्लाह रहमान आज आपके ग्रुप में इसके लेक्चर नोट्स भी आएंगे विद द वीडियो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट का दूसरा नाम अजीबा, हाँ प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं, स्टेटमेंट को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बेटा, प्रोपोर्शन। आप लोगों ने कहा जो ये स्टेटमेंट है ना सर इट इज जस्ट लाइक ए सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस में भी आप लोगों ने ये लगाया कंडीशन, कंडीशन क्या है कि जो ये स्टेटमेंट है इट मस्ट बी डिक्लेरेटिव, इट मस्ट बी असर्टिव, असर्टिव इन द सेंस लाइक दिस सर, द सम ऑफ द नंबर 5 + 7 = 12, द सम ऑफ द नंबर्स 5 + 7 = 12, सर दिस इज अ स्टेटमेंट। या आप लोगों ने कहा सर इन समर द कैपिटल ऑफ J&K इज श्रीनगर, एंड वायर एज द कैपिटल ऑफ J&K इन विंटर इज जम्मू, दीज आर ऑल सेंटेंसेज, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। बट दिस स्टेटमेंट अदरवाइज आप लोग कहेंगे हु इज यू, यहां पर जो रेफरेंस आप दे रहे हैं ये पता नहीं है आप लोग किसको कह रहे हो, हु इज यू, है ना। तो ये सेंटेंस है बट हम इसको ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते। स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज डिक्लेरेटिव, जहां से हमें पता पड़ेगा वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स, बेटा क्लियर। तो यूजुअली इस स्टेटमेंट को हम किसे डिनोट करते हैं, सिंपल पी से, या इसको हम सिंबल क्यू से डिनोट करते हैं, या आर से करते हैं, हम सर ऐसे लिखते हैं इसको। अगर हमें लिखना है स्टेटमेंट, आप लोगों ने कहा सर अगर हम ऐसे लिखेंगे श्रीनगर इज
कैपिटल जे एन के, श्रीनगर इज कैपिटल ऑफ जे एन के, सर दिस इज अ स्टेटमेंट। अगर आप लोग करेंगे द सम ऑफ 5 and 7 इज लेस देन 10, सर दिस इज अ स्टेटमेंट, द सम ऑफ 5 and 7 इज लेस देन 10। आप लोगों ने कहा हाँ सर ये स्टेटमेंट है लेकिन इट्स फॉल्स, क्योंकि 5 + 7 बनेगा 12, है ना। या इंशा आपने कहा श्रीनगर कैपिटल है जेएन की, हाँ सर ये ट्रू है, इट इज अ स्टेटमेंट बेटा, क्लियर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेटमेंट, मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हुआ। तो स्टेटमेंट इज नथिंग, इट इज अ सेंटेंस, बट द सेंटेंस मस्ट बी डिक्लेरेटिव इन नेचर। डिक्लेरेटिव मीन्स वेदर इट इज ट्रू और बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, राइट डाउन दिस।